हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगी CNF कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम CNF के सिर्फ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या डिफाइन किया था, बहुत सारे अल्जेब्रिक लॉ जो कि इंपॉर्टेंट है CNF फॉर्मेट। जब भी आपको CNF न्यूमेरिकल करना है, DNF न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो वो उसके लिए वो अल्जेब्रिक लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखना है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या किया था, CNF फॉर्मेट को दिखाया था कि कैसा होता है CNF फॉर्मेट। ओके, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, CNF सॉल्व करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ। मेरी फर्स्ट एग्जांपल है ये। ओके, अच्छा ये वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, बट अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपकी पूरी डाउट CNF के ऊपर वो दूर हो जाएगी। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट एग्जांपल है। इसको मैं कैसे CNF फॉर्मेट में लिखूंगी, मतलब कैसे CNF फॉर्म में लाऊंगी, ठीक है, यही मेरी क्वेश्चन है। ऐसे तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगी। ये सिंपल है, अगर फर्स्ट में हम सिंपल करेंगे फिर जाके बड़ी बड़ी सी करेंगे, ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर हम क्या हमने हम क्या करेंगे, यहाँ पर है, देखिए आप यहाँ पर जो है ये CNF फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि CNF फॉर्मेट क्या होता है, हमारे अंदर में जो प्रिपोजिशंस है होता है, प्रिपोजिशंस जो अंदर में होता है वो सब और से जुड़ा होता है, एंड बाहर में सब एंड से, ठीक है, अंदर में और एंड बाहर एंड, यही CNF फॉर्मेट होता है ना। तो यहाँ पर हम कैसे इसको CNF फॉर्मेट में लाएंगे, उसके लिए यहाँ पर जो मेन फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ, जो मेन फॉर्मूला है। अच्छा तो मेन फॉर्मूला क्या थी, अगर हमारी P इम्प्लीकेशन Q है उसके लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये है मेरी मेन फॉर्मूला CNF के लिए, ठीक है। हम इसके ऊपर डिपेंड करके फुल CNF करेंगे। ओके, अच्छा तो इसको हम कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पर है नेगेशन, तो नेगेशन ब्रैकेट के बाहर है, तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर में लाना चाहती हूँ। इतने तक क्लियर हुआ ना। अच्छा तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं इसको डिवाइड डिवाइड करके लिखूँगी, ठीक है। ये हम बचपन में भी किए थे, एल्जेब्रिक जो सम था वहाँ पर भी किए थे। ये एंड यहाँ पर आया और ठीक है, इतने तक क्लियर हुआ ना। यहाँ पर नेगेशन क्यों है, क्यों किया मैंने नेगेशन, क्यों इसीलिए किया क्योंकि ये नेगेशन जो है ये क्यू एंड आर के साथ इनटू फॉर्म में है। अब इसको मैंने नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर भी मैं लिख सकता था, बट ये थोड़ा बड़ी हो जाएगी, मेरी स्टेप थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैंने शॉर्ट करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा नेगेशन पी तो था ही पहले से, एंड इम्प्लीकेशंस था, एंड नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर था। तो अगर मैं नेगेशन यहाँ पर इनटू फॉर्म में है क्यू एंड आर के साथ, तो अगर इसको मैं तोड़ूँ तो कैसे दिखेगा, ये नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। ओके, तो इसको मैं ना तोड़ के ये लाइन लिख दिया ताकि आपकी लाइन कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेशन क्यू आया एंड नेगेशन आर, ये एंड यहाँ पर आया, ठीक है। बचपन में हमने किया था ना कि अगर वो वाली मैथ क्या थी, ए बी प्लस सी, हम ऐसे करते थे है ना, ऐसे करते थे हम है ना। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया,
ठीक है, नेगेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू एंड आर था, इसके साथ मैंने पी के साथ क्यू एक बार किया एंड एन तो बीच में ही था तो एन यहाँ पर लिख दिया मैंने, एंड नेगेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन आर। ओके, इतने तक क्लियर हुआ ना आपको? अच्छा, तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद आप खुद ही बोलिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए इम्प्लीकेशन है, तो इम्प्लीकेशन को कैसे तोड़े भाई? तो इम्प्लीकेशन के तोड़ने के लिए हम किस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे? इस फॉर्मूला को, ठीक है, इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। यही मैंने बताया था कि ये मेन फॉर्मूला है, CNF में अक्सर ये फॉर्मूला ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेन है, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या है, पी इम्प्लीकेशन क्यू, तो पी इम्प्लीकेशन अगर क्यू मुझे मिले तो मैं कैसे लिखूँगी? इसका फॉर्मूला मेरे पास है, तो ये अगर ये है तो इसका आंसर ये होगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इम्प्लीकेशन है, यहाँ पर भी इम्प्लीकेशन है, तो यहाँ पर दोनों इम्प्लीकेशन है, तो दोनों जगह मैं इसी फॉर्मूला को यूज़ करूँगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर पी इम्प्लीकेशन अगर क्यू है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेगेशन पी और क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही नेगेशन है, तो और एक नेगेशन तो आएगा ही क्योंकि ये लॉज में है, और एक है तो ये एक रहेगा। सो दो इम्प्लीकेशन आ गया, ठीक है, एंड और नेगेशन क्यू। नेगेशन क्यू हुआ क्योंकि नेगेशन पहले से ही था, इसीलिए नेगेशन हुआ। ओके, अच्छा, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसको भी सिमिलरली हम करेंगे, यहाँ पर नेगेशन नेगेशन पी और नेगेशन आर, ठीक है। अब भी देखिए, अच्छा, हमने बचपन में क्या किया, क्या किए थे कि माइनस माइनस अक्सर कट जाता है ना, तो नेगेशन नेगेशन भी कट जाता है ना। तो यहाँ पर अगर नेगेशन मैं कट दूँ तो यहाँ पर तो दो नेगेशन नहीं है, तो इसीलिए ये नेगेशन नहीं कटा। इतने तक क्लियर हुआ ना? तो देखिए आप, मेरे पास CNF फॉर्म में आ गया। क्यों CNF फॉर्म में, कैसे मुझे पता चला कि ये CNF फॉर्म में आ गया? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरी अंदर में क्या है, प्रपोजिशंस और से कनेक्टेड है, एंड बाहर में क्या है, प्रपोजिशंस एंड से कनेक्टेड है। तो ये रहा मेरा CNF फॉर्म में ये क्वेश्चन जो है वो आ गया, और ये ही मेरी आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये है मेरी रिक्वायर्ड CNF फॉर्म। ओके, हो गया ना आपका CNF? तो इस तरह से हम CNF सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको एग्जाम में एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल शुरू करेंगे, अब एग्जाम्पल टू। ओके, तो एग्जाम्पल टू कैसे करेंगे? एग्जाम्पल टू थोड़ी बड़ी है, पहले वाला थोड़ा सिंपल था, थोड़ा छोटा था, बट हमेशा हम स्टार्टिंग में सिंपल से ही स्टार्ट करते हैं ताकि हम बाद में जाकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट वाला सिंपल ही रखा, तो सेकेंड वाला कुछ बड़ी है, बट ये एकदम ईजी है, CNF आसानी होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट से आप देख लीजिए। देखिए आप यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए P इम्प्लीकेशन Q, यहाँ पर जो है क्वेश्चन वो मैंने, आप देख ही सकते हैं, मैं यहाँ इसको रीड नहीं करना चाहती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो CNF फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि CNF फॉर्म में जो फॉर्मेट जो होता है वो बाहर में
पिछला प्रिपोजिशन क्या होता है, एंड से जुड़ा होता है, अंदर में और से. ओके तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर बाहर में एंड तो है लेकिन अंदर में भी एंड है और अंदर में इम्प्लीकेशन है जो CNF फॉर्मेट में नहीं होता है. ठीक है, तो इसको हम CNF फॉर्मेट में लाएंगे. हाँ, कैसे लाएंगे देखिए आप. अच्छा, तो इस सबसे पहले मैं मेरी मेन फॉर्मूला जो है उसको लिखना चाहती हूँ यहाँ पर. मेरी मेन फॉर्मूला क्या थी, P इम्प्लीकेशन अगर Q है तो क्या होता है, नेगेशन P और Q होता है. ठीक है, विजिबल नहीं है, सॉरी सॉरी. देखिए ये मेरी मेन फॉर्मूला है ना. तो अच्छा, आप इसको अपनी नोट में लिख लीजिए ताकि आपको सुविधा होगी देखने के लिए. अच्छा, तो हाँ, यहाँ पर हम कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर. तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबके सब इम्प्लीकेशन से भरा हुआ है. ठीक है, तो इसको हम रिमूव करेंगे. कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, हम इसको पहले इसको हम लिखेंगे फिर इसको. ठीक है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे. हम ऐसे तरह से लिख सकते हैं ना, ये एक ब्रैकेट में है, हम ऐसे तरह से लिख सकते हैं, है ना. अच्छा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इम्प्लीकेशन था, यहाँ पर मैंने P इम्प्लीकेशन Q किया एक बार, और N तो बीच में ही था इसीलिए N को मैंने बीच में लिख दिया, P इम्प्लीकेशन R किया एक बार. ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हुआ ना आपको. अच्छा, तो ये वाला एंड यहाँ पर आ जाएगा, आ गया. ठीक है, और क्या होगा, और यहाँ पर जो मैंने किया सिमिलरली सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगी. ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेगेशन पी है बट यहाँ पर नेगेशन नहीं था इसीलिए नेगेशन तो आएगा ही. नेगेशन पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू एक हो गया, और ये वाला एंड यहाँ पर आएगा, और नेगेशन P implication negation R. ठीक है ना, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ. यहाँ पर मैंने क्या किया देखिए, नेगेशन P implication negation Q एक बार किया, ये वाला N यहाँ पर आ गया, नेगेशन P implication negation R किया एक बार. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ना आपको. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी सेकेंड लाइन में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए आप. अच्छा, तो यहाँ पर मैं हम जानते हैं कि CNF का मेन फॉर्मूला क्या है, CNF का मेन फॉर्मूला है ये. अगर इम्प्लीकेशन होता है हमारी मैथ में तो उसको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इम्प्लीकेशन है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, है ना. तो इसका फॉर्मूला है ये. हाँ, अच्छा, तो ये ब्रैकेट में था इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, एंड इसको भी हम फॉर्मूला में डालेंगे. ठीक है, इसको मैं अलग कलर से करती हूँ आपकी सुविधा के लिए. ठीक है ना, तो इसको मैं क्या किया, इसको मैंने मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में डाला सिर्फ. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला मैंने डाल दिया, नेगेशन पी और क्यू, ये वाला एंड तो यहाँ पर सेम कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेगेशन पी और आर है. ओके, एंड ये वाला एंड यहाँ पर आ गया, और इसको मैं फॉर्मूला में डालूँगी, नेगेशन तो था पहले से ही इसीलिए और एक नेगेशन आ गया. ठीक है, विजिबल है ना. अच्छा, तो इसको भी मैंने ब्रैकेट, ओके,
इतने तक क्लियर हुआ ना आपको? अच्छा हाँ अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगी? इसके बाद आप बोलिए, इसके बाद मैं क्या करूँगी? तो यहाँ पर तो ये तो भाई आ गया CNF फॉर्मेट में। अच्छा मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ। देखिए इतने तक क्लियर हुआ ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये चीज़ तो मैंने कॉपी किया ये दोनों, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रीवियस जो एग्जाम्पल था, नेगेशन नेगेशन तो कट जाता है हमने बोला था, तो यहाँ पर नेगेशन नेगेशन कट गया एंड पी और नेगेशन क्यू एंड पी और नेगेशन आर हो गया। तो यहाँ पर देखिए अंदर में सारी प्रीपोजिशंस क्या है, और से कनेक्टेड है, एंड बाहर में क्या है, एंड से कनेक्टेड है। ओके तो ये तो मेरे CNF फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, तो ये है मेरी आंसर, ओके ना, क्योंकि ये है मेरी CNF फॉर्मेट। ओके तो ये रहा मेरी एग्जाम्पल टू। अब मैं क्या करूँगी, एग्जाम्पल थ्री करूँगी, ठीक है। अच्छा अब एग्जाम्पल थ्री, ओके, तो एग्जाम्पल थ्री हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी कुछ कुछ बड़ी तरह से है, बट ये बहुत ही इजी है, ओके, पहले की तरह। अच्छा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये तो CNF फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि CNF फॉर्मेट जो है वो बाहर में सब प्रीपोजिशन एंड से कनेक्टेड है और अंदर में और से, बट यहाँ पर देखिए और एंड दोनों ही अंदर में है, तो ये तो CNF फॉर्मेट में नहीं हो सकता है ना, तो CNF फॉर्मेट में हम लाएंगे, ठीक है। अच्छा तो CNF फॉर्मेट में हम इसको कैसे लाएंगे CNF फॉर्मेट में, तो चलिए शुरू करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, Q और P एक बार लिखेंगे एंड Q और R एक बार लिखेंगे। इतने तक क्लियर हुआ ना? मैंने Q और P को एक बार लिखा, ये एंड यहाँ पर आ गया, Q और R इसको मैंने यहाँ पर एक बार लिखा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसको मैं एक होल ब्रैकेट में डाल देती हूँ, ओके। अच्छा विजिबल है ना? अच्छा ये एंड तो यहाँ पर आ गया, और ये नेगेशन जो है इसके साथ इनटू है ना, तो इसको भी मैंने पहले ब्रैकेट में लिखना चाहती हूँ, ये नेगेशन ब्रैकेट के अंदर में चला गया। अच्छा ये और हो गया, ओके। अच्छा यहाँ पर एक चीज आपकी क्वेश्चन होगी, जरूर होगी, मैं जानती हूँ कि ये तो एंड था, ये और कैसे हो गया, कैसे हुआ, आप खुद ही बताइए। यहाँ पर मैंने किस लॉ को अप्लाई किया, डीमॉर्गन्स लॉ को। डीमॉर्गन्स लॉ क्या होता था, डीमॉर्गन्स लॉ होता था कि अगर अगर P और Q है, यहाँ पर तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर P और Q है तो ये होता है डीमॉर्गन्स लॉ। इसको ही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। यहाँ पर देखिए नेगेशन मैंने ब्रैकेट के बाहर में था, तो नेगेशन अगर मैं ब्रैकेट के अंदर में लाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये नेगेशन ब्रैकेट के अंदर में जब भी गया तो ये बीच वाला और के साथ ये कनेक्टेड था ना, दो प्रेपोजिशन, तो दो प्रेपोजिशन जिसके साथ कनेक्टेड है तो वो साइन चेंज होकर एंड हो जाता है, अगर और है वो चेंज होकर एंड हो जाएगा, अगर एंड है
वो चेंज होकर और हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये एक प्रेपोजिशन होल प्रेपोजिशंस है और ये एक प्रेपोजिशंस है। ये दो प्रेपोजिशंस किसके साथ कनेक्टेड है? और के साथ। तो और तो एंड हो, सॉरी एंड के साथ। एंड तो एंड तो चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेशन अंदर में गया, और मैं अगर नेगेशन अंदर में गया तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? अगर नेगेशन अंदर में गया तो ये जिसके साथ कनेक्टेड है, जिस साइन के साथ, वो साइन चेंज होकर ऑपोजिट साइन हो जाता है, ठीक है? या अगर एंड है तो और हो जाता है, अगर और है तो एंड हो जाता है, ठीक है? अच्छा, तो इतने तक क्लियर हुआ ना आपको? अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये तो ये जो है, ये देखिए आप, ये सी एन एफ फॉर्मेट में आ गया, तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर अंदर में क्या है, अंदर में सभी और से कनेक्टेड है एंड बाहर में एंड से, ठीक है, प्रपोजिशंस। अच्छा, तो इसको मैं यही लिखूंगी, सॉरी सॉरी सॉरी, एंड इसको मैं करूंगी क्योंकि ये अभी तक सी एन एफ फॉर्मेट में नहीं आया, तो इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं करूंगी, ये नेगेशन जो है ये मैं अंदर में लिखूंगी, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, मेरी अंदर में और रहेगा और बाहर में क्या होगा, बाहर में एंड होगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत कर दिया, यहाँ पर और एक बार डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा क्योंकि ये नेगेशन जो है ये ब्रैकेट के बाहर में था, अगर ब्रैकेट में अंदर में गया तो ये दो प्रेपोजिशंस किसके साथ कनेक्टेड है? और के साथ। अगर और है तो ये क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, मेरी बाहर में एंड होगा और अंदर में और, तो इसको मैं कैसे करूँगी, ये वाला एंड यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये आर होगा, ये वाला आर, ठीक है? देखिए आप, देखिए इतने तक क्लियर हुआ ना आपको? यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर नेगेशन पी एंड नेगेशन आर और नेगेशन क्यू था, तो मुझे और को अंदर में लाना है एंड एन को बाहर में, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू एक बार किया, ये एन को मैंने यहाँ पर बीच में ला दिया एंड नेगेशन आर था बचा हुआ, तो नेगेशन आर के साथ और नेगेशन क्यू एक बार होगा, ठीक है? तो ये एक लॉ है हम जानते हैं, ठीक है? तो देखिए आप, मेरी सी एन एफ तो आ गई, ठीक है ना? देखिए सी एन एफ में आ गई, क्यों आ गया, मेरी बाहर में सब प्रेपोजिशन एंड से कनेक्टेड है और अंदर में सब देखिए और से कनेक्टेड है, ओके? तो सी एन एफ फॉर्म में आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, हैप्पी ना? अच्छा, तो एकदम इजी है सी एन एफ। और एक एग्जांपल हम करेंगे, मैं जानती हूँ ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट मैं क्या करूँ, आपको अगर कन्फ्यूजन दूर करना है तो आपको अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा, उसके लिए तो टाइम तो लगेगा ही, है ना? अच्छा, तो चलिए फटाफट से एग्जाम्पल फोर करेंगे, ओके? अच्छा, तो ये एग्जाम्पल फोर है, ओके? तो एग्जाम्पल फोर क्या होता है, एग्जाम्पल फोर थोड़ी आप देख सकते हैं, ये छोटा मोटा है तो ये इजी होगा, ओके? तो यहाँ पर ये देखिए, ये सी एन एफ फॉर्मेट में नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बाहर में सी एन एफ में लाएंगे, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर देखिए नेगेशन है ना, तो नेगेशन को हम इंटू करेंगे, अगर नेगेशन को
अंदर में लाएंगे तो डीमॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं, जो मेन साइन से दो प्रेपोजिशंस कनेक्टेड होता है वो चेंज हो जाता है ऑपोजिट में, तो एंड है और हो जाएगा। इतने तक क्लियर हुआ ना आपको? अच्छा सॉरी, ये पी तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। अच्छा तो इतने तक क्लियर हुआ ना? हाँ अच्छा, तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद ये नेगेशन मैं ब्रैकेट के अंदर फिर से लाऊंगी। यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हुआ, आप समझ सकते हैं। अच्छा अगर इसको मैं अंदर में लाई तो ये दो प्रपोजिशंस कौन सी साइन से कनेक्टेड है और से, तो मैं यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा। ठीक है, इतने तक क्लियर हुआ? नेगेशन नेगेशन कट जाता है। नेगेशन नेगेशन कट जाता है। अच्छा अब देखिए, ये फिर भी सी एन एफ में नहीं आया क्योंकि मेरी बाहर में जो है वो और से कनेक्टेड है प्रपोजिशन, और अंदर में एंड आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेशन पी और आर है, एंड ये एंड यहाँ पर आ गया, क्यू और आर एक पर हो गया। तो यहाँ पर देखिए मेरी प्रीपोजिशन अंदर में और से कनेक्टेड एंड बाहर में एंड से। ओके तो ये मेरी सी एन एफ फॉर्म में आ गया, मेरी आंसर बन गया। ओके तो ये रहा मेरी सी एन एफ की पूरी ट्यूटोरियल। आई होप आपकी सारी इन कन्फ्यूशन, सारी डाउट दूर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। आप फुल वीडियो देखना ज़रूर, ठीक है? अगर आपको डाउट क्लियर करना हो तो आपको फुल वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।